I'm ready, I'm ready, I'm ready.

I think it needs to be communicated it needs to be out there and uh, people should also know this side of the story as well and it should be officially out so yeah I think like I have to do this there's no other way Hi, munchkins! Welcome back to my channel. How are you? I hope you guys are doing absolutely amazing. If you're new to my channel, hi, my name is Himadri. I post fashion and beauty-related content on my channel. It's been more than uh, six, seven years I've been doing YouTube. I share a lot about my life. I share vlogs. We usually do all the fun stuff. But uh, today's video is honestly going to be all about my clothing brand, Dri by Himadri, which I haven't spoken about officially officially people have seen teasers people have seen different different drops people have seen reels and shorts but i've never you know posted a proper sit down video talking everything about my brand and this video is going to be all about

बहुत सारे लोगों ने इंक्लूडिंग माय फैमिली मेंबर्स दे टोल्ड मी नॉट टू स्टार्ट अ बिजनेस बिकॉज इट्स अ कंप्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट काफ़ी रिस्क होता है एंड आई वाज लाइक जस्ट अ बेबी जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि क्या कैसा चलता है बट इन जनरल आई डू नॉट हैव Any exposure in terms of business. I have always been someone who loves taking risk. मैंने अपनी job भी छोड़ी थी Infosys and Capgemini की when I got placed and uh, I said no to that job and I said that मैं YouTube करना चाहूँगी जबकि मेरी zero income थी YouTube से. But I took that risk and went the other way कि नहीं मेरे को job नहीं करनी. In case अगर कुछ चलता भी नहीं है ना, the knowledge that you gain throughout the journey it never goes to waste. This is वट आई बिलीव एंड इंसान गलतियों से ही सीखता है दिस इज वॉट आई फील कभी ऐसा हो भी नहीं सकता की आप लोग मुझे छह साल से ज्यादा जानते हुए इतने सारे इंडियन मेकअप लुक्स किए हैं इतने सारे इंडियन आउटफिट्स में मैंने वीडियोज बनाए हैं एंड शॉर्ट ऑफ आफ्टर अ पॉइंट लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड नोइंगी फॉर माई इंडियन लुक्स तो जो मेरा पूरा पैशन है ना फॉर इंडियन वेयर एंड इंडियन मेकअप लुक्स इन जनरल ये सारा मैं अपनी नानी को देना चाहूंगी एंड शी हैड दैट पैशन ऑफ यू नो लाइक कपड़े सिलने का फ्रॉम स्क्रैच वो अपने कपड़े सिलती थी वो अपनी साड़ियाँ बनाती थी फ्रॉम स्क्रैच मेरे नाना जी के कपड़े बनाती थी एंड बचपन से लेकर आज तक ना मैंने उनको हमेशा देखा है ना द वे शी यूज़ टू ड्रेप हर साड़ी सो एलिगेंटली सॉर्ट ऑफ यू नो लाइक गॉट इनटू मी अननॉइंगली

लोगों के आते हैं कि legacy, हैं कि आपने साड़ी से ली? उस पर्टिकुलर क्लोदिंग पीस के साथ और मैंने रात रात भर बैठ के खूब रिसर्च किया है कि बिजनेस में क्या लीगल पेपर्स होते हैं ट्रेडमार्क होता है रजिस्ट्रेशन uh, होता है एमएसएमई होता है Uh, ये पेपर वर्क वो, वो पेपर वर्क जी एस टी क्या होता है एवरीथिंग वॉज लाइक अ कम्प्लीटली न्यू कॉन्सेप्ट फॉर आस ऐसा नहीं बोलूँ कि अरे मैं तो इंसान मैं दुनिया की पहली इंसान हूँ जिसने ये सब स्ट्रगल किया है नो no. not at all i enjoyed the process i got to learn so many things that a lot of people don't talk about on the internet that while building a brand bhai ye ye hota hai beech mein hame itne sare fraud dog bhi mile but again like i don't i don't regret it because i got to learn ki kisko trust karna chahiye aur kisko nahi ek business ko pura build karne mein kitni jaan aur mehnat jati hai i'm so glad that i started this journey because अदरवाइज मेरे को इन सब चीज़ों का पता ही नहीं होता छः सात महीने लग गए पेपर वर्क करने में देर में मैं एवरी इज़ वेरी वेरी स्लो हर चीज़ न्यू नो दिल्ली जाएगी मुंबई जाएगी ये होगा वो होगा लॉयर्स को लेकर आओ इसको लेकर आओ तो यू you नो know, ये सब प्रोसेस करते करते काफ़ी टाइम लग गया नाउ वेन इट वॉज टाइम फॉर मी टू लॉन्च द्री दैट वॉज ऑक्टोबर लास्ट ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू टीजर्स गए अलॉट ऑफ पीपल वर वेरी एक्साइटेड दे वर वेरी कन्फ्यूज बिकॉज जो पूरा टीजर का थीम था वॉट आई वॉन्टेड वॉज आई वॉन्टेड टू गो एंड लॉन्च द ब्रांड इन ब्रांड इन अ वेरी न्यू वे एंड पूरा यू नो लाइक टीजर्स का पूरा कॉन्सेप्ट ए टू जेड स्क्रिप्टिंग एक्टिंग कौन आएगा कैसा आएगा डायरेक्शन क्या होगा एवरी थिंग इज ए टू जेड मेरा एंड आई गोट दिस आइडिया वॉज वेन आई वॉज शावरिंग विच इज़ वेरी फनी कि मैं नहाते नहाते मैंने सोचा कि अरे हम ऐसे करेंगे चार एपिसोड दिस इन दैट

You know, like kaprika tag a lot of people were very excited to see what I was launching exactly. When the website went live, a lot of people were not very happy with the price point, which is totally understandable. I do not expect everybody to have the budget to, you know, spend thousands and thousands of rupees for an outfit. But I have never, never, never claimed Dri by Himadri to be a luxury clothing brand. The entire concept of Dri was to make it a वन स्टॉप डेस्टिनेशन वेर आई हैव एवरी थिंग फॉर एवरी बॉडी सो इफ पीपल वॉन्ट टू बाई यू नो लाइक अफोर्डेबल रेंज आपके पास वो भी होगा मिड रेंज चाहिए थ्री में वो भी होगा एक्सपेंसिव रेंज चाहिए तो आपके पास वो भी होगा एंड जब द्री लॉन्च हुआ ना वो एक ऐसे टाइम पर लॉन्च हुआ जहाँ पर दिवाली थी फेस्टिव हुआ था वेडिंग होने वाला था बहुत हेवियर पीसेस थे सो द प्राइस ऑटोमेटिकली गॉट हाइडअप वर लाइक वेरी हैवी पीसेज बट आई हैवर क्लेम्ड दैट द्री बाई हिमाद्री इज गोइंग टू बी अल्शरी ब्रांड इस्ट आई बिलीव द टाइमिंग कुड हैव बीन ऑफ दैट पीपल हुटिंग समथिंग अफोर्डेबल बट वो उस टाइम पर ही लॉन्च हुआ जहां पर दिवाली एंड सारे

From my parents, my siblings, my family members, friends, or anybody. With that being said, now because it is a completely self funded brand, we do have like budget constraints, budget issues as well. For example, um, if I get tied up with manufacturers. प्राइसिंग कम हो जाती है कपड़ों की नो डाउट जैसे अगर हम बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स की बात करें मैं नाम नहीं लूंगी बट दीज ब्रांड्स आर अप विद मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे वो एक क्लोदिंग आइटम का दस हजार बीस हजार पचास हजार पीसेस बनाते हैं बाय आर मैन्युफैक्चरर्स एंड जब भी आपने देखा होगा जब ज्यादा चीज लेते हैं तो डिस्काउंट पड़ता है Uh, जो प्राइसिंग होता है वो कम हो जाता है नाउ हियर एट थ्री वी आर नॉट टाइड विद एनी मैन्युफेक्चर सब कुछ इन हाउस बनता है हमारा इसलिए हमने ज्यादा पीसेज नहीं रखे हैं सो सपोज हमारे पास अगर एक कुर्ता सेट है हम मैक्स उसको फिफ्टी टू हंड्रेड पीसेज रखेंगे नॉट मोर देन दैट एंड दीज आर नॉट रेडी टू वेयर पीसेज नाउ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ फुलसी प्यारी कलेक्शन uh, काफी सारे लोगों ने नोटिस किया गया ऑर्डर्स को डिस्पैच करने में बहुत टाइम लग गया था बिकॉज बहुत सारा बल्क ऑर्डर आ गया था एंड वी वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इतना सारा ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास एन आई से दैट आर नॉट रेडी टू वेयर प्रोडक्ट्स वी मीन टू से दैट हमारे पास यू नो ना पैक्ड सामान नहीं है हर साइज का कि स्मॉल साइज आएगा हम पैक करेंगे बस लपेटा और भेज दिया नो no. जैसे एक ऑर्डर हमारे पास आता है गो अहेड एंड वो आउटफिट पर्सनली बस आपके लिए ही बनता है सारे पीसेस जो आपके पास आए हैं ना अभी वो स्पेशली बस आपके लिए ही बने हैं हेंस वी डू हैव दैट ऑप्शन एज वेल पीपल ऑफ हैंटर वाइज व्हाट हाइट और वट बॉडी टाइप चाहे आप जो भी साइज के हो यू हैव दैट लिबर्टी टू वेयर द्री के प्रोडक्ट द्री में अभी तक वी हैव क्रिएटेड सो मेनी यू नो प्लस साइज क्रिएटेड ट्रिपल एक्स एल फोर एक्स

आर नॉट डूइंग दैट चाहे आप जितने भी पतले हो चाहे आप जितने भी प्लस साइज हो द प्राइसिंग रिमेन्स द सेम वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा जो प्राइस है वही प्राइस रहेगा एंड जो भी ऊपर से हम लोगों का होगा दैट इज ऑन द हाउस कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज यू नो लाइक दिस फॉर मी एंड इट इज नॉट अबाउट मनी कि अरे मेरे को तो लोगों से पैसे ईठने हैं नो आई वॉन्ट पीपल टू एक्चुअली एक्सपीरियंस द क्लोज वेयर दैम फील कॉन्फिडेंट एंड यू नो लाइक लिटली स्ले इन द्री कमिंग टू द फैक्ट दैट जब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड लॉन्च हुआ था दिवाली कलेक्शन में दे वॉज अ साड़ी विच इज एक्चुअली वन ऑफ द आवर हाईएस्ट प्राइस प्रोडक्ट दैट इज फॉर ट्वेंटी सेवन थाउजेंड की साड़ी विद अ कम्प्लीटली हैवी हैंड एम्ब्रॉइडर ब्लाउज इफ आई एम एम सेलिंग अ रूबिया ब्लाउज फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज प्रो उस ब्लाउज में है वो सेम प्रॉफिट मार्जिन उस साड़ी में भी है ऐसा नहीं है कि वो साड़ी का प्रॉफिट मतलब no, so एक साड़ी को बनने में पच्चीस दिन लगते हैं चार कारीगर लगते हैं एंड इट इज अ फुल्ड एम्ब्रॉइड साड़ी द ब्लाउज इट सेल्फ इज फुलवी ऐसा नहीं है कि हम आपको प्लेन कपड़ा दे रहे हैं बहुत भारी साड़ी है वो ऑलमोस्ट दो डेढ़ किलो की तो साड़ी है वो इतना भारी है बीड्स का काम हो रखा है वो चीज देहरादून में मिलती ही नहीं है वो स्पेशली हमें मुंबई और दिल्ली से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है देहरादून ताकि वो चीज बन सके एंड ये बहुत रेगुलर टाइप के मोती नहीं है दीज आर वेरी हाई गुड क्वालिटी मोती एंड जब पच्चीस दिन लगते हैं तो कारीगर भी उसमें काफी अच्छा यू नो दे चार्ज गुड फॉर अ फुली हैंड एम्ब्रॉइडेड साड़ी एंड अ ब्लाउज ये हमारे सारे कपड़ों के प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ वर्कर्स सैलरीज हमारे मास्टर जी हमारे जितने सारे टेलर्स हैं हमारे रेंट जाता है वेबसाइट चार्जेस फोटोग्राफी चार्जेस हमारा पैकेजिंग हमारा ट्रैवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारिगर को एक सेपरेट पैसे देना रॉ मटेरियल्स लेकर आना आइनिंग लगती है पैडिंग होती है दिस होता है एंड देआर थाउजेंड डिफरेंट अदर फैक्टर्स जो ये सारी चीज को इंक्लूड करके ये प्राइस पॉइंट लेकर आता है एज मैंशन बिफोर अगर आप देख रहे हो किसी अगर कपड़े का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उस महंगे वाले कपड़े में ज्यादा प्रॉफिट मार रही हूं। in fact, उल्टा होता है, जितना heavier आपका आपका उतना कम के साल में नहीं बनाते हैं. जो तीन -चार साल से पहले वाला होता होता है, है, पे एक ब्रांड बिल्ड ही हो रहा होता है, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाता है इट इज नॉट गोइंग इन माय पॉकेट वो पैसा जो प्रॉफिट है इट गोज बैक टू द ब्रांड जहाँ पे मुझे सैलरी पे करनी है और रॉ मटेरियल लेकर आना है एक नया कलेक्शन मुझे लॉन्च करना है टू गेट न्यू फोटोशूट्स एंड नीड टू अपडेट द वेबसाइट हैव अ मार्केटिंग टीम हमें इसमें कंटेंट बनाना है हमें पोस्ट करना है उसके एड्स चलाने हैं एंड आई होप दिस क्लैरिफाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स पॉजिटिव क्रिटिसिज्म फीडबैक आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हीर इट आई एम ओपन फॉर इट आप अभी भी मुझे फीडबैक दोगे आई एम ऑल योर्स आई एम हैप्पी टू मेक दी अ बेटर प्लेस अ बेटर एक्सपीरियंस आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे मैं अपना ब्रांड अच्छा नहीं कर पाऊंगी बिकॉज सी आई एम स्टिल लर्निंग आई एम ह्यूमन मेरे जैसे मैंने कहा बिजनेस इज़ वेरी यू नो न्यू फॉर मी एंड इंसान गलतियों से ही सीखता है सो अगर मैं गलती नहीं करूँगी आप मुझे फीडबैक नहीं दोगे मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकती आई वेलकम यू ऑल विद ओपन आर्म्स टू गिव मी पॉजिटिव और नेगेटिव यू नो फीडबैक्स बट 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 जिस टाइम पे द्री लॉन्च हुआ वैन पीपल स्टार्टड ट्रोलिंग मी मेरे तक कर रहे हो मेरे को मेरा मजाक उड़ा रहे हो मेरे बारे में बोल रहे हो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट बट दिनट वेन यू गाइज टॉक अबाउट माई फैमिली दैट इज वे यू आर क्रॉसिंग अ लाइन लेसन आई एम अ ह्यूमन मेरे फैमिली वाले दे आर ह्यूमन टू एंड वेन यू क्रॉस अ लाइन बाई सेंग दैट इसका तो ब्रांड शुरू होते ही खत्म हो जाएगा इसका ब्रांड्स को ले डूबेगा ये तो गरीब हो जाएगी ये तो मर जाएगी इसके घर वाले मर जाएंगे इसके घर वाले रोड पर आ जाएंगे लिसन यू आर क्रॉसिंग अ लाइन योर आई हैव नेवर फोर्स्ड एनी बॉडी टू बाई एनी थिंग फ्रॉम माई ब्रांड एंड मैं आज तक के डेट पर आज तक मैंने किसी को भी फोर्स नहीं किया है यू वॉन्ट टू बाय योर मोस्ट वेलकम मैं अपनी जी जान लगा दूंगी आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करने में But coming back to my family and talking, you know these stuff, तुम किसी परिवार के बारे में मत बोलो मेरे को बोलो मेरे घर वालों को मत बोलो uh, it's a sincere request, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ but मैं सबकी बात कर रही हूँ on on behalf of all the content creators out there, तुम्हें मुझसे problem है मेरे को गाली दो तुम चाहते हो कि मुझे कुछ हो जाए मैं एक्सीडेंट में मर जाऊँ ठीक है मुझे बोलो बट मेरे घर वालों को मत बोलो उनकी कोई गलती नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया मेरा था कुछ गलती हुई है वो गलती मेरी है वो मेरे घर वालों की गलती नहीं है सो आई थिंक यू गाई शुड रियली कीप दिस इन माइंड एंड इन टू कंसिडरेशन दैट जिसके लिए आप लिख रहे हो वह सामने वाला भी इंसान है उसके अंदर भी दिल है एंड उसको भी बुरा लगता है आई वॉज ओके टिल दैट टाइम लाइक पीपल वींग दट द प्राइज आर टू हाई यू कुल हैव लाइक मे बी वर्क अ लिटल मोर ऑन द प्राइस डिज़ाइन इतने खास नहीं लगे दिस एंड दैट वो सुनने के लिए आई वॉज एम हैप्पी आई एम स्टिल हैप्पी आई एम स्टिल ऑल योर्स जैसे मैंने कहा आप बोलो आई विल वर्क I will work towards it, but this is something that I would not accept, and I think nobody will accept. I a lot of videos, a lot of people made a lot of that Himadri is this, Himadri is that, this, blah, blah, blah. Take okay. care. ओके एवरीथिंग इज गुड तो मेरे बारे में वीडियोस बनाना चाहते हो जो करना है करो आपको व्यूज मिल रहे हैं आप उसे पैसे बनाओगे यूट्यूब आपका वीडियो चैनल मोनेटाइज कर लेगा गुड फॉर यू अगर आपका भला हो रहा है मेरा नाम इस्तेमाल करके आपका चैनल मोनेटाइज हो रहा है आप पैसे कमा रहे हो वेरी गुड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग सो मच टाइम टू टॉक अबाउट मी ऑनेस्टली लाइक इट ऑनेस्टली मीन्स अ लॉट बैक टू ग्री का कॉन्सेप्ट वॉज ऑलवेज टू हैव एवरी नॉट जस्ट यू नो लाइक स्टिकिंग टू जस्ट वन प्राइस पॉइंट और वन कलेक्शन कि uh, अब तो मैं हजार रुपये के कपड़े निकालूंगी तो अब मैं हज़ार रुपये के ही कपड़े निकालूंगी नो इट इज़ अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन जैसे मैंने पहले कहा इट इज़ फॉर एवरीबॉडी इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अफोर्डेबल मिड रेंज एक्सपेंसिव दी विल बी योर डेस्टिनेशन एंड इट टेक्स टाइम एक ही दिन में मैं सब कुछ नहीं लॉन्च कर सकती कि मतलब मिड रेंज भी वो कर रही हूँ लॉन्च एक्सपेंसिव भी लॉन्च कर रही हूँ अफोर्डेबल भी लॉन्च कर रही हूँ एक दिन में नहीं हो सकता फॉर मी कस्टमर सेटिस्फैक्शन मीन्स अ लॉट अलॉट एंड लुकिंग एट द फीडबैक्स दैट वी रिसीव करी और मेरी टीम ने बहुत uh, अच्छा खासा लंबा टाइम लेकर वी डिसाइडेड टू लॉन्च भूल सी प्यारी बहुत चीज़ें हमने कंसिडर की प्राइस पॉइंट कलेक्शन क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ये होना चाहिए एंड लुकिंग एट द फैक्ट दैट वी नॉट टाइड अप विद मैन्युफैक्चर इट रियली वॉज अ टास्क आई आई वुड से इट वॉज इजी इट वॉज अ टास्क एंड आई वॉज सो नर्वस वेल यू वर लॉन्चिंग इट बिकॉज आई वॉज सो नॉट रेडी फॉर ऑल द हेट अगर लोग वो करते बट इट वॉज अ कंप्लीट अपोजिट रिएक्शन पीपल विल लाइक रेडी ऑन द वेबसाइट टू बाय द प्रोडक्ट्स एक प्रोडक्ट हमारा ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया बाकी पूरा कलेक्शन विद इन अ वीक आउट ऑफ स्टॉक हो गया वे रीस्टॉक आवर एंटायर कलेक्शन फोर टू फाइव टाइम्स ऑलरेडी एंड इट इज़ क्रेजी टू इवन थिंक दैट अभी भी कितने सारे पीसे हमने री स्टॉक किए हैं उसमें भी दो चार पीसेज ही बचे हैं एंड आई एम सो 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 ग्रेटफुल दैट you gave me that feedback and i was able to deliver what you guys wanted. it was indeed a very successful launch. and looking at the feedback and how people are reacting to it and how people are loving our new collection, we have decided to expand this collection. and we will be launching more affordable pieces. affordable key well, satsat we'll have mid-range products too, so kalenge. so see kuchna when they visit dree's website. also, if you're not following us on instagram, how many recently tied tie up kiahek animal rescue engine.

एनीथिंग उनके सर्जरीज के लिए आप बेसिकली एक वॉइसलेस एक बच्चे की जिंदगी बचा रहे हो सो वंस यू डू दैट यू विल ऑल्सो फील दैट यू आर अ पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ की आपने किसी की जान बचाई है टू परसेंट का चार्ज इज इंक्लूसिव ऑफ द प्राइस ऑफ दीज आउटफिट एंड होप फुली अगर द्री आगे बढ़ता है भगवान करे हम ये टू परसन से टेन परसेंट करना चाहते हैं एज सुन एज पॉसिबल सो वी आर एबल टू सेव मोर लाइव एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस नाउ एड नो जब से द्री लॉन्च हुआ है एव नॉट बीन

नॉर्मल लिपस्टिक भी लगाते थे ना ना लोग मुझे दी के बारे में ही बार बार सुनाते रहते थे सुनाते रहते थे कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली मतलब आप लोगों ने ना मेरे को वो ही नहीं दिया यू नो लाइक टू इवन प्रूव माई सेल्फ बट आई होप आई वाज एबल टू डिलीवर व्हाट यू वांटेड बाय लॉन्चिंग फूल सी प्यारी मोर सच लॉन्च कमिंग योर वे डेफिनेटली अगर आप लोग मुझे फिर से एक चांस दोगे ना आई वुड लव टू शेयर मोर अबाउट यू नो माई जर्नी अबाउट द्री हाउ आई आई हैव सो मच फुटेज लेफ्ट मतलब ऑलमोस्ट एक टी का फुटेज है मेरे पास द्री का बी टी एस ब्लॉग एवरी थिंग पूरा शूटिंग एंड सब कुछ है मेरे पास बट मुझे बस इसी चीज़ का डर है कि अगर मैं उसको पोस्ट करूँगी ना लोग फिर से वही करना शुरू कर देंगे एंड आई एम नॉट मेंटली रेडी बहुत मुश्किल से आई हैव यू नो प्रपेर माई सेल्फ टू कम बैक ऑन You know your youtube and instagram i really want to post these vlogs but i am just like so scared Galti may be that i never came on social media to clear out that air which i should have but

प्लीज़ माफ़ कर देना मैं दिल से आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ एंड जाते जाते मैं बस ये बोलूँगी आई आई एम स्टिल वेरी वेरी ओपन टू फीडबैक थैंक यू फॉर लविंग थैंक यू फॉर बींग पेशेंट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरा मन ऑलरेडी कितना हल्का फील कर रहा है दैट आई हैड एवरी थिंग आउट जो जो मेरा मन था बोलने का एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग इफ यू हैव मेड इट टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड आई एल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो बाय